फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए आज बात करते हैं बहुत सारी जॉब वैकेंसी की जो कि आया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे हम 5 तरह के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जहाँ की सोशल वर्क के लिए जॉब अभी आया है। पहली सबसे पहले बात करेंगे AKMS की, देन आपको हम बात करेंगे सेवन सिस्टर डेवलपमेंट असिस्टेंट NGO के बारे में, फिर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में क्या वैकेंसी आई है सोशल वर्क को लेके, प्रेरणा में हम बात करेंगे कहाँ पे क्या वैकेंसी आई है, साथ ही हम बात करेंगे नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल लिविंग विद HIV इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे सोशल वर्क के लिए क्या जॉब वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम पांचों ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ वैकेंसी आया है सोशल वर्क के लिए उस पर डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरणा जो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें वैकेंसी आई है सोशल वर्क के लिए, उसके लिए चर्चा करेंगे। लोकेशन होगा आपका मुंबई का और टाइटल जो होगा पोस्ट का वो है प्रोग्राम मैनेजर पोस्ट के लिए है। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में दिया गया है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। जॉब समरी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर द पैशनेट डायनेमिक सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल टू प्ले ए पिवोटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ लीडिंग NGO वर्किंग इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन। फीमेल कैंडिडेट्स आर प्रिफर्ड। द मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क अलॉन्ग विद द सीनियर मैनेजमेंट टू मोबिलाइज रिसोर्स एंड मैनेज डोनर्स, वर्क ऑन प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड वर्क इम्प्लीमेंटेशन, मैनेज ऑपरेशन फील्ड प्रोजेक्ट डेट रन अंडर प्रेरणा एंटी ट्रैफिकिंग सेंटर, वर्क ऑन डॉक्यूमेंटेशन फील्ड इंटरवेंशन एंड रिपोर्ट्स, डेवलप टूल फॉर रेगुलेट मॉनिटरिंग एंड इंश्योर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, इंगेज एंड इनएक्टिव इंटरेक्ट विद द वेरियस रीजनल स्टेट लेवल एंड अदर स्टेक होल्डर फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, इंगेज विद द बेनिफिशरी थ्रू द इंडिविजुअल केस, कंडक्टिंग सेशन एंड मीटिंग्स, शुड बी विलिंग टू ट्रैवल इन फील्ड इन्वेस्टिगेशन इंटरवेंशन एरिया अक्रॉस द महाराष्ट्र एंड विलिंग टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली अक्रॉस द मुंबई मुंबई सर्बन एंड द थाने डिस्ट्रिक्ट फॉर द फील्ड एक्टिविटीज। दिज आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू कैन से जॉब समरी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम मैनेजर। प्रेरणा ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंसी आई है प्रोग्राम मैनेजर के लिए और यहाँ पे ये सारा आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। लाइक आपको फील्ड विजिट करना पड़ सकता है, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स के काम है लाइक जो भी लिखना है वो सब भी काम मिल सकता है। एंटी ट्रैफिकिंग सेंटर के साथ आपको काम करना होगा, डोनर कैसे क्या दे रहा है, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन किस तरह से करना है, प्रोजेक्ट प्रपोजल पे कैसे काम करना है, ये सब आपको यहाँ पे देखना होगा। ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है एप्लीकेंट शुड हैव मिनिमम 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम और इंग्लिश हिंदी में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। मराठी अगर आपको आती है तो ये आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। एक्सलेंट डॉक्यूमेंटेशन बजटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट एंड रिसर्च स्किल होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे एडवांटेज प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है? कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एंड अपडेटेड रिज्यूम एंड सैम्पल फॉर रिपोर्ट्स दे आर वर्कड ऑन इन द पास्ट। सैलरी विल बी कमोनसरेट विद द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पे सैलरी डिटेल में नहीं दिया गया है, डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशन वो होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना अपडेटेड रिज्यूम और आप भी पहले जो भी काम कर चुके हैं पास्ट में उस पर एक सैम्पल रिपोर्ट आपको भेज देना है। dipali@prerna-antitrafficking.org पे आपको भेज देना है और सब्जेक्ट में वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर सम्मान लिखना है। तो बस इतना सा काम करना है आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो आया है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर। यहाँ पे बहुत सारा जॉब है EDII के अंदर, तो हम लोग एक एक करके सारे जॉब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर का, लोकेशन है बेंगलोर और जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए उसमें मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी है, साथ ही MBA और यहाँ पे जो भी रूरल मैनेजमेंट से कोर्स कर रखे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर फैशन टेक्नोलॉजी से। साथ ही उनके पास होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, लाइवलीहुड वुमेन रिलेटेड स्कीम एंड प्रोजेक्ट। तो ये हुआ इस पोस्ट के लिए। साथ ही यहाँ पे जॉब है जो साउथ में करना है तो इसके लिए हिंदी इंग्लिश और कन्नड़ या तेलुगु आना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि क्या कुछ आपको करना है।
तो ये हुआ इस जॉब का एलिजिबिलिटी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सैलरी जो है इस जॉब के लिए वो 55,000 से 60,000 है। और दूसरी पोस्ट इसी ऑर्गेनाइजेशन में आई है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, इसके लिए भी लोकेशन बेंगलोर है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है डिप्लोमा और मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, साथ ही इकोनॉमिक्स और हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फैशन टेक्नोलॉजी वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर इसमें लाइवलीहुड में या फिर किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर में। हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ आना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी वैकेंसी आई है जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए सैलरी होगा 50,000 से लेकर 55,000 यानी कि 50,000 से 55,000 तक की सैलरी होगी। नेक्स्ट वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग देखेंगे वो आया है यहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव का, लोकेशन बैंगलोर है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन दिया गया है मास्टर डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, MSW और BE इन विथ एग्री, हॉर्टिकल्चर, सेरी, डेयरी और वेटरनिटी। यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 1 से लेकर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन माइक्रो इंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड या फिर रूरल वुमेन रिलेटेड स्कीम एंड प्रोजेक्ट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। स्किल यहाँ पे दिया गया है इस पोस्ट के लिए कि आपको हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ आना चाहिए और इसके लिए जो सैलरी होगा वो 25,000 से लेकर 30,000 तक होगा। दूसरी वैकेंसी है जिसका जॉब वैकेंसी है जिसका नाम है आपको यहाँ पे वैल्यू चैन एडेड एक्सपर्ट, पोस्ट का नाम है, लोकेशन बेंगलोर और कर्नाटका है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क है या फिर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में या फिर माइक्रो इंटरप्राइज में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, लाइवलीहुड या फिर वुमेन रिलेटेड स्कीम या प्रोजेक्ट पे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और तेलुगु आना मस्ट है और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया गया है कि रिपोर्ट राइटिंग, कंप्यूटर लिटरेसी ये सब आना चाहिए, डेटा एनालिसिस वगैरह करने आना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस। हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में 4 वैकेंसी के बारे में चर्चा कर सके, चारों वैकेंसी सोशल वर्क के द्वारा भरा जा सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोशल वर्क फ्रेटर्निटी के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। इस पोस्ट के लिए सैलरी होगी 20,000 से लेकर 25,000। नेक्स्ट वैकेंसी आया क्रेडिट लिंकेज एक्सपर्ट के लिए, लोकेशन बैंगलोर, यहाँ पे भी MSW वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 3 से लेकर 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, साथ ही उनको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए और जितने भी क्रेडिट का काम होता है वो सब भी आना है, होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ये सब आना चाहिए। सैलरी होगा 20,000 से लेकर 25,000 पर मंथ। नेक्स्ट वैकेंसी है वो सोशल वर्क के लिए नहीं है, यहाँ पे BBA और MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल हम लोग 6 वैकेंसी के बारे में चर्चा किए जो कि यहाँ पे वैकेंसी ओपन है फॉर द सोशल वर्क। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर टोटल 5 वैकेंसी आई है जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज वो आया है, पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजर का और यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल लिविंग विद HIV इन इंडिया जो काम करती है, लोकेशन गुवाहाटी, इम्फाल, असम एंड मणिपुर के लिए है और आपको 17 जून से पहले इसमें अप्लाई कर देना है। वैकेंसी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि क्या कुछ इनका मिशन है और किस तरह से ये काम करती है, किस किस स्टेट में और क्या यहाँ पे कैसे काम करती है। तो हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, साथ ही मिनिमम 5 to 7 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, पैशन टू फॉर रिड्यूसिंग इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एंड एलिमिनेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। यहाँ पे इस तरह का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे मंथ में आपको 12 से 15 दिन ट्रेवल करना पड़ सकता है, साथ ही कई सारी चीज़ें दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं ध्यान से। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पे चूंकि एक्सपीरियंस मांगा गया था 5 से 7 साल का, तो यहाँ पे अच्छा खासा इसमें सैलरी भी मिल रहा है, 8 से लेकर 8.4 लाख पर एनम का यहाँ पे पैकेज है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव जॉब है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे लिविंग विथ HIV एंड अफेक्टेड बाय HIV एड्स कुड बी गिवन टू प्रिफ्रेंस, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि खुद HIV से जूझ रहे हैं उनको यहाँ पे प्रिफ्रेंस दिया जा सकता है, दिया जाएगा, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपना अपडेटेड CV
जो कि इंग्लिश में होना चाहिए, साथ ही एक कवर लेटर लिखना है और अपना नेम एंड रेफरेंस सब लिख के वहाँ पे सेंड कर देना है। करेंट सैलरी आपका क्या है और लास्ट जो लास्ट या फिर लास्ट सैलरी क्या है वो आपको मेंशन करनी है। एक्सपेक्टेड सैलरी भी आपको मेंशन करना है और उसको सेंड कर देना है recruit@ncpiplus.org पे, एंड कॉपी उस वहाँ पे कॉपी में डालना है। यहाँ पे 2-3 ईमेल एड्रेस दिया गया है, सब कुछ आपको डाल देना है और जॉब टाइटल और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी आपको स्पेसिफाई करनी है। तो ये हुई बात इस जॉब की और आपको इसको अप्लाई कर देना है 17 जून से पहले। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है और सेवन सिस्टर डेवलपमेंट असिस्टेंट यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैकेंसी आई है। लोकेशन गुवाहाटी और असम है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फेलोशिप दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया है कि दिस इज़ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इन फॉर द यंग प्रोफेशनल इंगेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सिस्टा के बारे में दिया गया है कि लोकेशन गुवाहाटी और असम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, डेवलपमेंट स्टडीज, रूरल डेवलपमेंट और सिमिलर तरह का कोई भी प्रोफाइल हो सकता है। लेकिन आपके पास आपको जो मार्क्स है वो मास्टर में कम से कम 50% मार्क्स आना चाहिए। अगर आप STSC OBC के हैं तो 45% मार्क्स से भी काम चलेगा। मास्टर डिग्री सोशल वर्क के साथ साथ आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रूरल कम्युनिटी में। गुड कंसेप्चुअल विजुलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स दिया गया है। साथ ही यहाँ पे सैलरी दिया गया है एज पर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, यहाँ पे सैलरी मेंशन नहीं की गई है। अप्लाई आपको कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको अपना अपडेटेड रिज्यूमे या CV भेज देना है, साथ में कवर लेटर भी लिखना नहीं भूले। sista.recruitment@sista.org पे आपको मेल कर देना है। साथ ही आपको यहाँ पे 250 वर्ड में 250 वर्ड में आपको अपना कवर लेटर लिखना है जिसमें आपको मेंशन करना है कि व्हाई यू आर मोटिवेटेड एंड स्पेसिफिक स्किल एंड एक्सपीरियंस दैट मेक्स देम सुटेबल, और इस सबको भेज देना है 19 जून से पहले इस ईमेल एड्रेस पे। तो आपके पास 250 वर्ड में एक कवर ऑफ लेटर यानी कि कवर लेटर लिखना है और CV को भेज देना है इस ईमेल एड्रेस पे। लास्ट वैकेंसी जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे वो आया है AMS में यानी कि एकेडमिक फॉर मैनेजमेंट स्टडी में, और यहाँ पे फील्ड रिसर्च एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है फॉर नॉर्थ ईस्ट। लोकेशन होगा मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। पोजीशन है रिसर्च फील्ड एग्जीक्यूटिव का और लोकेशन है मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मेघालय। और यहाँ पे रिलीवेंट स्किल जो है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एंड रिसर्च स्टडीज़ को लेके दिया गया है। यहाँ पे AMS ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया गया है जो कि वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ और UNDP इस तरह के इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ काम करती है। यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, इनकम, लाइवलीहुड, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम क्लस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन पे काम किया जाता है। फील्ड रिसर्च एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इन 5 स्टेट यानी कि मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और सुपरविजन करना होगा जो भी फील्ड स्टाफ है उनको उस स्टेट में, साथ ही उनको ट्रेवल करना पड़ सकता है जो भी अलॉटेड स्टेट है उसमें। और यहाँ पे कई सारे चीज़ दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है PG इन सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट एंड सिमिलर प्रोफेशनल कोर्सेस, यानी कि आप अगर मास्टर ऑफ सोशल वर्क किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ ये है कि फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन मस्ट हैव नेटिव ऑफ स्टेट अप्लाइंग फॉर, आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के नेटिव मेंबर होना इम्पोर्टेंट है। प्रिफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु कैन वर्क इन अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, विलिंग टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली इन देयर अलॉटेड स्टेट अप टू विलेज लेवल। नॉलेज ऑफ नेटिव लैंग्वेज यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज है वो आना बहुत ज़रूरी है, उसमें रीड, राइट एंड स्पीक तीनों होना चाहिए। एज लिमिट 20 से लेकर 35 साल दिया गया है और यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी होगा 30,000 पर मंथ, साथ में आपको DA and TA और मोबाइल एक्सपेंस भी दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट होगा फॉर द 1 ईयर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एंड इट मे बी फर्दर एक्सटेंडेड और रिड्यूस ऑन द बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो ये हुआ सारा डिटेल इस बारे में और इसको यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने का क्या मेथड है, आपको अपना डिटेल सीवी अलोंग विथ रिसेंट फ़ोटो भेज देना है 15 जून से पहले, वेडनेसडे से पहले 2022 को। ईमेल एड्रेस दिया गया hrd@amsindia.org पे भेज देना है। तो आपको अपना सीवी बस भेजना है, तो आपके पास अभी 3 दिन का वक्त है, तो आप आराम से इसमें भेज सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। अपना अपडेटेड सीवी और रिसेंट फ़ोटो भेज देना है, और सब्जेक्ट लाइन में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना ज़रूरी है। जैसे कि आप लिखेंगे FRE नेम ऑफ स्टेट अप्लाइड, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी लिखना है, यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वैकेंसी को सोशल वर्क के जो फ्रेशर्स अप्लीकेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़।